पार का पार किया और काका ने उठा दिया फिर से लेग साइड गर्ल के लिए दो रनों के लिए, दो बॉले चार रन, मतलब फिर से राहुल काका के लिए। और काका ने फिर से उठा दिया है लेग साइड की तरफ के लिए दो रन, धीरे धीरे पार को पार किया काका के लिए और काका ने फिर से उठा दिया है सीधा ही पार के ऊपर से छह रन। अगले मरतबा फिर से राहुल काका के लिए और काका ने फिर से उठा दिया है और फील्डर वन मौजूद अपना विकेट गुमाया, बहुत बढ़िया कैच पकड़ा यहाँ पे। और जो सॉन्थल टीम के टीम से जो बल्लेबाजी का भार संभालने आए हैं मिस्टर हरश, धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को पार किया और रोहित ने बहुत बढ़िया संभाल दिया बॉल को और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर रोहित को। और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 13 रन सॉन्थल टीम का। फिर से चलेंगे रोहित के लिए बाद और ओवर पिच बॉल चल के मारा है फील्डर वहां पे मौजूद और कैच लपक लिया है मिस्टर रोहित का। और अगले जो बल्लेबाज आए हैं अश्विन, अगले में तो मिस्टर अजय फिर से चलेंगे हर्ष के लिए, देखते हैं हर्ष क्या करते हैं इस गेंद पे। और हर्ष ने उठा दिया है लेफ्ट साइड की तरफ के लिए बहुत ही ऊंचा शॉट पर दो रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर हर्ष को। फिर से चलेंगे मिस्टर अजय हर्ष के लिए और बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए धीरे धीरे कदमों से और ये अंपायर को पार किया और हर्ष ने घुमा दिया है ऑफ साइड की तरफ और फील्डर वहां पे जोश मिस्टर अजय काफी लंबा रन अप है इनका। फिर से अंपायर को पार किया हर्ष के लिए और हर्ष ने घुमा दिया है और सीधा ही बॉलर के हाथों में बॉल दे दिया हर्ष के लिए और स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन और लास्ट बॉल जीतते हैं और मिस फील्ड हुई यहाँ पे जिस कारण दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन दो विकेट के नुकसान पे। मिस्टर साहिल फिर से चलेंगे हर्ष के लिए बहुत बढ़िया गेंद और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर हर्ष को और धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया, देखते हैं अश्विन क्या करते हैं इस गेंद पे। और फुल टॉस बॉल अश्विन ने उठा दिया है लेग साइड पर चलिए तो एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा साहिल चलेंगे हर्ष के लिए धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया और बहुत बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए हर्ष बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं वाटलू टीम के गेंदबाज। साहिल हर्ष के लिए हर्ष ने उठा दिया है सीधा ही ऑफ द कट के लिए और अंपायर का इशारा 6 रन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अभी तक एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर साहिल। आखिरी मरतबा फिर से चलेंगे अशु के लिए धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को पार किया और अशु ने घुमा दिया है सीधा ही लॉन्ग बॉल की तरफ के लिए सीधा 6 रनों के लिए और स्कोर जा पहुंचा है 31 रन 3 ओवर के पश्चात धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया हर्ष के लिए, देखते हैं हर्ष क्या करते हैं। हर्ष घुमाना चाहते थे पर बीट हुए और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अगली मरतबा फिर से चलेंगे अभिनव हर्ष के लिए हर्ष ने उठा दिया है काफी ऊंचा गया है फील्डर मौजूद देखते हैं पर कैच छोड़ दिया है और 2 रन पूरे कर दिए यहाँ पे अश्व ने और हर्ष ने एक जीवन दान मिलता हुआ मिस्टर हर्ष को। अगली मरतबा फिर से अभिनव हर्ष के लिए हर्ष ने फिर से उठा के मार दिया है कमेंटर ने बॉक्स के पास उठा के मार दिया है 6 रनों के लिए। अगली मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर अभिनव हर्ष के लिए और फील्डिंग काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पे के लिए धीरे धीरे कदमों से पार किया हर्ष के लिए
हर्ष ने घुमा दिया हेडर शॉट के लिए, फील्डर काफी चुस्त वहां पे और एक रन पूरा किया वहां पे। अंतिम बार फिर से चलेंगे मिस्टर अभिनव अशु के लिए, धीरे धीरे कदम से और अशु ने आगे बढ़ के मार दिया है शॉट कमेंटर ने बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए और इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। पारी का पांचवा ओवर लेके चलेंगे और अपने कोटे का दूसरा ओवर पहली मरतबा चलेंगे हर्ष के लिए। हर्ष ने आगे बढ़ के मार दिया है और फील्डर वहां पे मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा हर्ष को। इसके बाद उल्टे से चलेंगे अशु के लिए पहली दूसरी मरतबा और अशु ने उठा के मार दिया है सीधा ही बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। अगली मरतबा फिर से चलेंगे राहुल अशु के लिए और अशु ने फिर से उठा दिया है लेग साइड गेंद के लिए और एम्पायर का इशारा 4 रन। मिस्टर राहुल अशु के लिए राइट हैंड राउंड गेम और ये उठा दिया है फिर से, फील्डर वहां पे मौजूद और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अशु को। मिस्टर राहुल पांचवी मरतबा हर्ष के लिए, देखते हैं हर्ष क्या करते हैं। हर्ष ने उठा दिया है सीधा ही लेग साइड तरफ के लिए 2 रनों के लिए। तीसरी मरतबा मिस्टर राहुल हर्ष के लिए और बीट हुए और अंपायर कीपर से बॉल छूटने के कारण एक रन ओवर की समाप्ति। स्कोर है 64 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। मिस्टर अजय पारी का 6ठा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके चलेंगे हर्ष के लिए। हर्ष ने मार दिया है ऑफ साइड शॉट के लिए और एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। दूसरी मरतबा मिस्टर अजय अशु के लिए फिर से, देखते हैं अशु क्या करते हैं। फुल टॉस बॉल उठा दिया है ऑफ साइड ग्रैंड की ओर। अगली मरतबा अशु के लिए, अशु ने आगे बढ़ के उठा दिया है सीधा ही बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। मिस्टर अजय फिर से चलेंगे अशु के लिए, देखते हैं अशु इस बॉल पे क्या करते हैं और उठा दिया है सीधा ही, फील्डर वहां पे मौजूद काफी चुस्त फील्डर, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अशु को। मतलब मिस्टर अजय हर्ष के लिए, देखते हैं हर्ष इस बॉल में क्या करते हैं। हर्ष ने आगे बढ़ के उठा दिया है काफी लंबा शॉट पर 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगली मतलब फिर से हर्ष के लिए, हर्ष ने उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ के लिए पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर जा पहुंचा है 77 रन। पारी का 7वां और अपने कोटे का पहला मिस्टर हर्ष के लिए पहली मरतबा, देखते हैं हर्ष इस बॉल में क्या करते हैं। ओह बीट हुए, कीपर से बॉल छूटी और अगली मरतबा मिस्टर अक्षय अशु के लिए और अशु ने उठा दिया है सीधा ही बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और अशु जो है 40 रन बनाकर खेल रहे हैं अभी मिस्टर अक्षय और फिर से उठा दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए और 40 रन बना चुके हैं मिस्टर अशु और जो टीम का जो स्कोर जा पहुंचा है 90 रन जिसमें अशु का योगदान रहा है 40 रनों का। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पांचवी मरतबा फिर से चलेंगे अशु के लिए, फिर से उठा दिया है 6 रनों के लिए। अब शतक पूरा होता हुआ काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर अशु। अगली मरतबा फिर से चलेंगे अशु के लिए, देखते हैं अशु क्या करते हैं और ये 1 रनों के लिए धकेला बॉल को। 67 का स्कोर 100 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। अगली मरतबा फिर से साहिल अशु के लिए, अशु ने उठा दिया है सीधा हिट मेंटर ने बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए काफी लंबा हिट। अगली मरतबा फिर से चलेंगे मिस्टर साहिल अशु के लिए, देखते हैं अशु इस बॉल में क्या करते हैं और अशु ने उठा दिया है एक रन से शायद संतुष्ट होना पड़ेगा उनको। मिस्टर हर्ष जो कि 29 रन बनाकर खेल रहे हैं, मिस्टर साहिल तीसरी मरतबा हर्ष के लिए चलेंगे, देखते हैं हर्ष इस बॉल में क्या करते हैं और आगे बढ़ के उठा दिया और रन आउट होते हुए मिस्टर हर्ष। अगली मरतबा मिस्टर साहिल अशु के लिए, अशु 2 गेंदें शेष रहती हुई, देखते हैं अशु क्या करते हैं इस पे।
और फुल टॉस बॉल उठा दिया है दो रनों के लिए। अगले मतुआ फिर से चलेंगे मिस्टर साहिब अशोक के लिए और अशोक ने उठा दिया है सीधा ही बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए और जो इनका स्कोर जा पहुंचा है 116 रन 117 टू विन। मतुआ धीरे धीरे कदम से बाहर को पार किया और बहुत बड़ी अगले मतुआ फिर से अक्षय के लिए और उठा दिया है सीधा ही और फील्डर वहां भी मौजूद पहली ही गेंद में दूसरी गेंद में विकेट। अगले जो बल्लेबाज आए हैं मिस्टर साहिल मिस्टर मनीष साहिल के लिए अंपायर ने अपनी बाणी बोली वाइड बॉल का इशारा। अगली मरतबा फिर से मनीष ने अंपायर को पार किया साहिल के लिए साहिल घुमाना चाहते थे पर बीट हुए। अगली मरतबा फिर से मनीष चलेंगे साहिल के लिए मरतबा फिर से चलेंगे मनीष जो कि काफी अच्छा ओवर डाल रहे हैं साहिल के लिए और फिर से बीट हुए वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। अगली मरतबा फिर से मनीष चलेंगे साहिल के लिए और बहुत बढ़िया गेंद गेंदबाजी मिस्टर मनीष। आखिरी मरतबा फिर से अंपायर को पार किया साहिल के लिए और साहिल ने उठा दिया है सीधा ही फील्डर वहां पे मौजूद और ये आसान सा कैच दे बैठे मिस्टर रोहित के हाथों में दो विकेट ले चुके हैं इस ओवर पे और जो स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। पहली मरतबा चलो मिस्टर रमन अंपायर को बात किया ओ बहुत बढ़िया गेंद गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे मिस्टर रमन। अगली मरतबा फिर से चलेंगे सचिन के लिए अंपायर को बात किया और बहुत बढ़िया गेंदबाजी उतने हैं जो वहाँ से खेलते स्थानीय खिलाड़ी यहाँ के बचपन से लेकर खेलते हैं। अगली मरतबा फिर से रमन सचिन के लिए और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा फील्डर वहाँ पे मौजूद काफी चुस्त फील्डर लंबा रन था इनका फिर से अंपायर को पार किया राहुल के लिए और राहुल समझ नहीं पाए उतने ही चुस्त कीपर वहाँ पे बहुत बढ़िया गेंदबाजी होती है बहुत बढ़िया फील्डिंग भी होती है साउथ टीम के द्वारा। अगली मरतबा फिर से रमन राहुल के लिए ओ समझ नहीं पाया राहुल स्कोर भी अभी रुका हुआ है 6 रन। अगली मरतबा फिर से अंपायर को पार किया राहुल के लिए और राहुल ने उठा दिया है सीधा ही काफी लंबा हिट अंपायर का इशारा 6 रन और दो ओवर की समाप्ति के पश्चात जो स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहली मरतबा धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया सचिन तैयार देखते हैं सचिन ने बल्ला घुमा दिया और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा टीम के द्वारा। अगली मरतबा फिर से रोहित राहुल के लिए देखते हैं राहुल क्या करते हैं और ये उठा दिया है फील्डर वहां मौजूद मिस फील्ड और अंपायर का इशारा 4 रन। मरतबा जखराना छोर से फिर से चलेंगे रोहित राहुल के लिए धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया और राहुल तैयार और राहुल ने बल्ला घुमा दिया है ऑफसाइड कवर के लिए और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पे। अगली मरतबा फिर से रोहित सचिन के लिए और पटकी हुई गेंद सचिन ने उठा दी है देखते हैं अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए जिखराना छोर से सचिन तैयार धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया सचिन तैयार और घुमा दिया है काफी बढ़िया फील्डिंग करते हुए यहाँ पे मिस्टर रोहित सचिन तैयार रोहित ने अंपायर को पार किया और सचिन ने उठा दिया है सीधा ही कमेंट करने बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 29 रन और स्ट्राइक पे रहेंगे राहुल देखते हैं राहुल क्या करते हैं इस बॉल को उठा दिया है साइड करके फील्डर वहां पे मौजूद और ये कैच छोड़ दिया है वहां पे और इसी कारण जो है राहुल ने अपने 2 रन पूरे किए मिस फील्ड होती हुई वहां पे राहुल को जीवन दान मिलता हुआ। मिस्टर मनीष फिर से अगली मरतबा चलेंगे राहुल तैयार अंपायर को पार किया फॉलो थ्रू में काफी बढ़िया फील्डिंग करते हुए। अगली मरतबा फिर से मनीष चलेंगे राहुल के लिए और राहुल ने बल्ला घुमा दिया है ऑफ साइड की तरफ के लिए 2 रनों के लिए इसी 2 रन के बाद जो स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। मनीष चलेंगे राहुल के लिए देखते हैं राहुल गेंद में क्या करते हैं फुल टॉस बॉल और उठा दिया है फील्डर वहां पे मौजूद
मिस्टर रोहित ने आसान सा कैच पकड़ा। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन और पांच ओवर की शुरुआत रोहित आया है ओवर लेकर। सचिन तैयार और सचिन घुमाना चाहते थे, रन पूरा किया दूसरे रन के लिए भागे और दूसरा रन भी इन्होंने आसानी से पूरा कर दिया। बदलता हुआ ठंडी हवाएं चलती हुई अगले मरतबा फिर से रोहित सचिन के लिए। सचिन ने उठाता है और लेग साइड मिडल के लिए एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मिस्टर रोहित तीसरी मरतबा अजय के लिए और अजय तैयार काफ़ी बढ़िया सब मरतबा कैसे चलेंगे अजय के लिए। अजय तैयार और लेग साइड मिडल के लिए और देखते हैं बाल का इशारा दो रन, दो रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर अजय को। अजय के लिए जिठाना शोर से मिस्टर रोहित अजय तैयार अंपायर को पार किया। देखते हैं जिस बॉल में क्या करते हैं। उठा दिया है सीधा ही लेग साइड मिडल के लिए दो रन। अगली मरतबा फिर से चले गए आखिरी मरतबा मिस्टर रोहित अजय तैयार और उठा दिया है सीधा ही और बाउंड्री लाइन से बाहर पूरा छह रनों के लिए अंपायर का इशारा छह रन। पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात जो स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। अगली मरतबा मिस्टर रन सचिन के लिए फिर से सचिन ने उठा दिया है ऑफसाइड के लिए और अंपायर का इशारा दो रन। फिर से चलेंगे मिस्टर ललित सचिन के लिए काफी चुस्त थे वहाँ पे मिस्टर ललित अजय के लिए और अजय ने उठा दिया है सीधा ही फील्डर वहाँ पे मौजूद है आसान सा कैच जो है बल्लेबाजी का भार संभालने आए हैं मिस्टर निखिल ललित निखिल के लिए फिर से उपाय को पार किया बहुत बढ़िया गेंदबाजी और से काफी लंबा रन है टीम का। मिस्टर ललित बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे और छह ओवर की समाप्ति के पश्चात जो स्कोर है 57 रन। मिस्टर राहुल चलेंगे सचिन के लिए और सचिन ने गेंद के लेग साइड कर के लिए एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर से मिस्टर निखिल के लिए और निखिल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी फील्डिंग होती है कैप्टन के द्वारा सेंट्रल टीम के। फिर से चलेंगे मिस्टर सचिन के लिए ओ उठा दिया है ऑफ साइड कर के लिए फील्डर वहाँ पे मौजूद काफ़ी बढ़िया फील्डिंग मिस्टर अमन द्वारा होती हुई एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अगली मरतबा फिर से राहुल निखिल के लिए देखते हैं निखिल इस बार जीत है और अंपायर ने फील्ड को नकारा कि उम्मीदवार जो है हमारे अगली मरतबा राहुल निखिल के लिए निखिल ने उठा दिया है और काफ़ी हाइट में गेंद जाती है और एक रन पूरा किया दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर दिया। आखिरी मरतबा फिर से चलेंगे राहुल निखिल के लिए देखते हैं निखिल इस बॉल में क्या करते हैं और ये अपना विकेट गंवा दिया। सात ओवरों की समाप्ति पे स्कोर था 62 रन्स। आखिरी ओवर की शुरुआत अगली बार तो फिर से पंकज सनी के लिए अगली बार तो मिस्टर पंकज फिर चलेंगे सनी के लिए जितने सनी इस गेंद में क्या करते हैं और सनी ने उठा दिया है लेफ्ट साइड की तरफ के लिए और बाउंड्री लाइन से बाहर छह रन। धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया सनी तैयार ओ बहुत बढ़िया बॉल। मौसम का मिजाज बदलता हुआ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई अगली मरतबा फिर से पंकज सनी के लिए और पटकी हुई गेंद सनी ने उठा दिया है सीधा ही बाउंड्री लाइन से बाहर छह रनों के लिए। फिर से पंकज चलेंगे सनी के लिए देखते हैं सनी इस बॉल में क्या करते हैं। फिर से पटकी बॉल और बेट हुए और अपना विकेट गवाया मिस्टर सनी ने और टीम का जो स्कोर जा पहुंचा है 76